उत्तर भारत में दाल चावल और सब्जी को अलग-अलग बनाते और खाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में दाल और सब्जी को एक साथ पका देते हैं, जिसे हम लोग सांबर के नाम से जानते हैं। वहाँ पर इसे चावल या चावल से बनी चीज़ों के साथ ही खाते हैं। नमस्कार, बत्ताज किचन पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज सांबर बनाते हैं। सांभर बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप अरहर की दाल, इसे तुअर दाल भी कहते हैं। इसको मैंने धो लिया है। 2 टेबलस्पून इमली का पल्प। सब्जियों में लिया है कद्दू, भिंडी, बीन्स, आलू और टमाटर। यहाँ पर आप अपने पसंद की सब्जियाँ ले सकते हैं। मसालों में लिया है 1 टेबलस्पून सांभर मसाला, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 पिंच हींग, 1 मीडियम साइज का प्याज, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। इन सारी चीज़ों को साफ करके बारीक काट लेंगे। तड़के के लिए 4 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काला सरसों, थोड़े से करी पत्ते और 1 टीस्पून चीनी या गुड़ लेंगे। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में दाल पका लेंगे। तो 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 2 कप पानी डालकर कुकर बंद कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी आने तक दाल को पका लेंगे। जब तक दाल गल रही है तब तक सब्जियों को भून लेते हैं। तो 1 कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालकर तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और तड़के वाली सारी चीजें डालकर चटकने देंगे। जब सरसों दाना चटक जाए तब इसमें करी पत्ता डालकर मिक्स कर देंगे और लहसुन डालकर गोल्डन होने तक भून लेंगे। अब इसी में प्याज, अदरक और हरी मिर्च डालकर इसे भी कलर चेंज होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें सारी कटी हुई सब्जियों को डालकर 5-6 मिनट तक भून लेंगे। सब्जियों के भुन जाने के बाद सभी सूखे मसाले, टमाटर, चीनी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर मिला देंगे और 4 से 5 मिनट तक और भून लेंगे। सांबर मसाला को मैंने घर पर बनाया है। आप चाहें तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं या फिर इसे आई बटन पर क्लिक करके अभी देख सकते हैं। सांभर में आप अपनी पसंद की सब्जी जैसे लौकी, गाजर या अन्य सब्जी भी डाल सकते हैं। सब्जी और मसाले भुन गए हैं तो इसमें दाल और इमली का पल्प डालकर भी मिला देंगे और अपनी पसंद की गाढ़ी या पतली सांभर के लिए पानी डालकर मिक्स कर देंगे। इसे ढककर 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। सांबर को चेक कर लेते हैं। गर्मा गर्म सांबर बनकर तैयार है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे इडली, डोसा, बड़ा, चावल इन सब चीजों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी सांबर बनाइए, खाइए और खिलाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल बटन पर क्लिक भी कर दीजिए जिससे नए वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।